दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, सबको राम राम, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज अपना एक धमाकेदार जो टॉपिक होता है उसको लेके आ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? अपना अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों कौन सा टॉपिक है? अनुपात और समानुपात। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक अपना जो चैनल है AMG अकेडमी, इसको लाइक एवं शेयर करना न भूले। वेलकम टू AMG अकेडमी सवाई माधोपुर, मैं आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हाँ जी, महेश जी, रमेश जी, अंकित जी, मनीषा जी, महेंद्र जी, सबको राम राम, सबको राम राम। हाँ भैया जी, जुड़ जाइए। हाँ जी, आज का टॉपिक अपना अनुपात समानुपात है भाई। हाँ जी, जुड़ जाइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो देखो अपना टॉपिक का नाम है अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात। दोस्तों अपना टॉपिक का नाम क्या है भाई? अनुपात और समानुपात। तो देखो इसमें जो पहले जो टाइप अपन मैंने बता रखा है कि हमेशा जो सवाल आते हैं एग्जाम के हिसाब से, सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज अपन लेके चलेंगे। तो उसमें देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है वे दोस्तों कौन सा है। इसमें मान लो किसी में 2 अनुपात दे रखे, तीसरा पूछ ले, प्रथम पद दे रखा है, द्वितीय दे रखा है, तृतीय दे रखा है, और यदि चतुर्थ पद पूछे, हो सकता है किसी में प्रथम, तृतीय और चतुर्थ दे रखा हो, द्वितीय पूछे। लेकिन देखो इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। किस प्रकार करेंगे? देखो इधर आजी भैया जी, राम राम, राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। भाई जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखो इधर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दोस्तों पूछ क्या रहा है, देखो क्या कह रहा है। ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:2 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। किसका मान पूछ रहा है दोस्तों? ए बी सी का मान। तो अपनी तरफ से आप कुछ मत लगाओ, सिर्फ बिल्कुल बेसिक लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखो इधर ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इधर क्या करना है? देखो ए बी का मान, ये इस चीज का ध्यान रखना कि जिसका नाम पहले होता है दोस्तों उसी का रेशो पहले होता है, जिसका नाम पहले होता है उसका रेशो पहले होता है, और जिसका नाम बाद में होता है उसका रेशो बाद में होता है। तो देखिए जिसका नाम पहले है उसका रेशो पहले होगा, और जिसका नाम बाद में उसका रेशो बाद में होगा। यह मत करना कि सर हमने ए बी को इसको 1:2 मान ले, नहीं, ए बी का मतलब है 2:1। तो दोस्तों देखो इधर ए बी का मतलब 2:1 है, तो इसको 2:1 लिख लो। क्या लिख लेंगे? 2:1। अब है सी, अब देखो बी और सी, बी और सी, बी सी का मान कितना है दोस्तों? 3:2।
अब अपन इस चीज से ने कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि सर बी यहां पे भी दे दिया, बी का मान एक और इस बी का मान तीन है, तो अपन को कुछ नहीं करना। तो आपको करना क्या है कि आप लोगों को पता होना होगा इस चीज का कि यदि हम जब टेंथ क्लास में आती साथी में जब हम पढ़ते थे तो हमारी जब प्रेजेंट बोलती थी क्लास में तो दोस्तों अपन क्या करते थे, मान लीजिए कोई अशोक नाम का, दिनेश नाम का, महेश नाम का, कोई भी दो लड़के तीन लड़के हैं तो उनको अपन बोलते थे कि अशोक फर्स्ट और अशोक सेकंड। तो क्या करते हैं कि मान लीजिए ये बी फर्स्ट है और ये बी सेकंड है, लेकिन देखो ये बी है इस बी के साथ में, सी आ रहा है ने की इस बी के साथ में, तो हमेशा जो पड़ोसी होता है जिसके साथ में आते हैं तो उसके साथ में जाते हैं। तो देखो एक तरह से कि ये दोनों दोस्त हो गए, क्या हो गए दोस्तों, दोस्त हो गए। इस बी के साथ में सी है और सी का संबंध बी से है, तो ये फर्स्ट बी हो गया, ये सेकंड बी हो गया, तो इसको क्या उतारेंगे, इस फर्स्ट बी के नीचे बी लिखो, तो क्या लिखेंगे तीन अनुपात। अब देखो इसके नीचे बी के नीचे इस बी के साथ में ये सी है, तो इस बी के साथ में बैठाएंगे ने की इस बी के साथ में, इस बी के साथ में बैठा दो, क्या बैठा देंगे दो, बैठा दिया दोस्तों रेखा खींच दो कुछ नहीं। अब देखो इधर अपन क्या करते थे, इस प्रकार करते हैं दोस्तों एन इस प्रकार बनाते हैं, बनाते ना इसमें उल्टा एन बना दो, ऐसे कैसे बना दो उल्टा एन, जब उल्टा एन बनाएंगे तो देखो इधर उल्टा एन बना दो इसको ऐसे ऐसे बना दिया उल्टा एन। अब मान लीजिए ये कोई भी अशोक नाम का लड़का है दोस्तों, इस लड़के का नाम क्या है, कोई अशोक है। अब मान लीजिए कोई अशोक नाम का लड़का है, अब इस दो को एक मिनट के लिए आप अशोक मान लो दोस्तों, क्या मान लेंगे अशोक। अब ये अशोक नाम का कोई लड़का है तो देखो इधर इस अशोक नाम का जो लड़का है इसके पास में दोस्तों कोई शादी का कार्ड आया, किसका कार्ड आया भाई शादी का कार्ड, कि इस अशोक नाम का जो लड़का है इसके पास में कोई शादी का कार्ड आया, अशोक कह रहा है कि भाई मुझको शादी में जाना है, मेरे पास में कार्ड आया है, तो इसने सोचा कि यार अकेला क्या करूंगा, मेरे एक दोस्त है उसको साथ में ले चलता हूं। तो दोस्तों देखो ये अपने दोस्त के पास में आया और इस दोस्त का नाम भी कुछ होगा, मान लो कुछ भी दिनेश महेश सुरेश कुछ भी होगा, ये इस दोस्त के पास में आया और दोस्त से बोला कि अपन को शादी में चलना है। तो देखो ये दोस्त के पास में आया, कार्ड अशोक के पास आया, लेकिन ये इसको दोस्त को भी साथ लेके जा रहा है, देखो ये लेके जा रहा, ये ले गया नहीं, देखो ये अपने दोस्त के पास आ गया। अब दोस्त के पास में आ गया तो देखो दो एकम दो, अब ये कह रहा है कि यार अशोक तू अपने दोस्त को लेके जा रहा है भैया, तो मैं भी अपने दोस्त को साथ में ले चलता हूं। तो ये देखो ये अपने दोस्त के पास आ गया इधर, तो इधर आ गया तो देखो कि तीन एकम तीन। अब ये दोनों के ये कह रहा है, मान लो इसका कोई भी नाम है एक्स वाई जेड, कह रहा है यार अशोक आप अपने दोस्त को ले आए और ये मुझको लेके आ रहा है अपने दोस्त को, तो क्या करते हैं कि यार मैं भी मेरा दोस्त को ले चलता हूं, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप अपने दोस्तों को लेके जा रहे हैं तो मैं भी अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों देखो कार्ड आया अपने अशोक के पास में, इसके पास में अशोक के पास में, और एक के एक पीछे लगेज में होते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कर बोला कि यार मैं भी मेरे दोस्त को ले चलता हूं, देखो ये इस दोस्त के पास तीन दुआ छह, अब इनको काट लो, कट रही हो तो संख्या, अगर नहीं कट रही दोस्तों तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, छह अनुपात तीन अनुपात दो आंसर आया भाई, समझ में आया क्या। तो देखो इसी विधि को यदि अपन ने इस प्रकार कर लिया, देखो अशोक नाम का कार्ड ये इसके पास में आया अपने दोस्त के पास में, दोस्त ये कह रहा है कि यार मैं दोस्त को ले चलता हूं, इधर आया ये इधर, तो दो एकम दो, तो एक गुना तीन करेंगे तीन और तीन दुआ छह। अब देखो इसी प्रकार दोस्तों इसमें सेकंड विधि, सेकंड विधि देखो इसमें ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो इधर ए बी सी मान लिख दो, ए बी का मान दोस्तों कितना है दो अनुपात एक, इसी प्रकार बी सी का मान कितना है, देखो बी सी का मान तीन अनुपात दो, तो उस बी के नीचे पहला बी आ गया तो दूसरा बी यहां आएगा बी अनुपात
नहीं नहीं इधर देखो, ये बी नहीं आएगा, बी का मान आएगा दोस्तों, किसका मान आएगा, बी का मान। तो बी का मान कितना, 3:2, तो 3:2। इसी प्रकार रेखा खींच दो, खींच दी भाई। अब देखो एक तो ये खाली है और एक ये खाली है, तो अपन को करना क्या है दोस्तों, आपको पता है इतना कि मान लीजिए कोई भी अपना प्लॉट मार्केट में कोई प्लॉट है, उसमें कोई पड़ोसी रह रहे हैं और अपन क्या करते हैं उस प्लॉट को यूज में नहीं ले रहे, या कहीं बाहर निकल जाते हैं या चले जाते हैं, तो अपन पड़ोसी से बोल के जाते हैं कि भैया जी इस हमारे प्लॉट को ध्यान रखना। तो वे क्या करता है, जब तक अपन नहीं आते जब तक उस पर हक किसका है, पड़ोसी का है, या पड़ोसी क्या करता है इसको यूज में ले लेता है किसी भी काम से कि भैया मैं आके बसूंगा जब इसमें खाली कर देना, नहीं तो अपनी भैंस गाय को बांध लेना। तो जब तक हम नहीं है दोस्तों तो उसमें किसका हक है भाई, पड़ोसी का हक है, किसका हक है, पड़ोसी का। तो इसमें पड़ोसी देखो ये आसपास नहीं, सिर्फ पड़ोसी का हक है। तो देखो इसका पड़ोसी कौन है दोस्तों, इसका पड़ोसी एक है, इसका पड़ोसी कौन है एक, देखो इसका पड़ोसी कौन है एक, तो ये एक आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है देखो, इसका इसका पड़ोसी तीन है, तो ये क्या आ जाएगा, तीन। गुना कर दो, दो एक दो, तीन एक तीन, तीन दुआ छ, आंसर। देखो दोनों में कॉमन आया नहीं आया दोस्तों, आ गया। तो इसी प्रकार से इसको जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट ले लो, इसी प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3:2 कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3:1 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। ये सेम क्वेश्चन है भैया, इधर देखो इसको करके देखो, इसको दोनों विधियों से करके देखो, ए बी सी सी दोस्तों, ए बी का मान 3:2, 3:2। इसी प्रकार ये बी सी, बी सी का मान देखो, बी फर्स्ट हो गया, अब बी सेकंड है, इस बी के साथ में सी है न कि इस बी के साथ में, तो इसको क्या करेंगे 3:1। देखो इधर फर्स्ट विधि, फर्स्ट विधि से देखिए इसको उल्टा एन बना दो, कौन सा एन बना दो दोस्तों, उल्टा एन। अब देखो मान लीजिए ये कोई भी महेश नाम का लड़का है, किस नाम का दोस्तों, महेश नाम का। तो ये महेश नाम का लड़का है, तो इसके पास शादी का कार्ड आया, क्या आया, शादी का कार्ड आया। अब महेश नाम का लड़का बोला कि मेरे शादी के कार्ड आया है, मुझे कहां जाना है, मैरिज होम में खाना खाने जाना है। तो ये देखो इसने सोचा कि यार मेरा अकेला का मन नहीं लगेगा, मैं मेरे दोस्त को ले चलता हूं, ये दोस्त के पास में आया। देखो इधर दो एक, एक गुना दो करेंगे तो 2:1, ये आया कि भाई मैं भी अपने दोस्त को लेके चलूंगा, जब आप लोग महेश अपने दोस्त को मुझे लेके जा रहे हो तो मेरा भी एक दोस्त है, क्या है ये 3:6। अब ये कह रहा है कि यार आप दोनों अपने अपने दोस्तों को लेके जा रहे हैं, तो भाई मैं मेरे दोस्त को कैसे छोड़ के जाऊंगा, तो ये दोस्तों देखो ये भी अपना दोस्त को लेके जा रहा है, 3:9। अब काट के देखो कहीं कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, ये 9:6:2। यदि मान लीजिए इसी को ये पूछ लेता है इसमें कि एसी का मान क्या है, एसी का सिर्फ दोस्तों एसी का पूछे, तो देखो ए और सी इसका पूछे एसी, तो ए एक 1:1 कितना आया दोस्तों, 9, और सी का मान कितना आया, 2, आंसर।
यदि इसके अलावा ये आपसे पूछ लिए कि BA का मान क्या है या अनुपात क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो BA पहले A का नहीं पूछ रहा, B का पूछ रहा है। तो दोस्तों B का मान कितना है, ये B और A क्या है, ये रहा BA। तो क्या करेंगे, BA बराबर B का मान कितना है 6, अनुपात A का मान कितना है 9। यदि इसी में पूछ ले कि AB का मान कितना है, AB का पूछ लिया, ये पूछ ले BC का मान कितना है, BC का अनुपात क्या होगा। यदि इस प्रकार पूछ ले दोस्तों तो क्या करेंगे, BC B का मान देखो B का कितना है इसमें 6, C का मान कितना है 2। तो क्या करेंगे, BC बराबर 6 अनुपात 2 आंसर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों इसको सेकंड विधि से करो। A अनुपात B अनुपात C, देखो ए बी सी 3:2, बी सी 3:1 करो। एक प्लॉट ये खाली है और एक दोस्तों ये खाली है। अब जब ये दोनों प्लॉट खाली हैं तो देखो इसमें किसका हक होगा दोस्तों, इस पे 2 का, पड़ोसी का हक है। किसका हक है भाई, पड़ोसी का। इधर इस पे किसका हक है, 3 का। तो 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। आ गए भाई समझ में, 9:6:2। तो इसका आंसर क्या है, ये आए भाई समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो भाई। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें अपन ने पूछा है भाई, ए बी का मान दे दिया, बी सी का दे दिया, तो ए बी सी का पूछा। यदि मान लीजिए इसमें ये दे दे भाई ए बी सी डी का मान, तो मैंने जो ये फर्स्ट विधि बताई है, इस फर्स्ट विधि से सिर्फ अपन डी तक निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अपनी बुकों में भी ये विधि दे रखी है, लेकिन ये अपने पर्सनल विधि बनाई हुई है, कौन सी, प्लॉट वाली। तो इससे देखो सभी के आंसर आ जाएंगे। तो सबसे बढ़िया है कि अपने जो सेकंड जो विधि है उसको हमेशा लगाया करो, क्योंकि मान ले ए बी सी का आएगा तो इस प्रकार कर देंगे, लेकिन डी तक आएगा तो उसमें डबल एन बनाने पड़ेंगे, फिर कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो अपन को करना क्या है, सिर्फ सेकंड विधि को ज्यादा कर यूज में लो। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए अनुपात बी अनुपात 2:3 / बी अनुपात सी अनुपात 4:1 / सी अनुपात डी बराबर 2:1 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। किसका मान, ए बी सी डी का मान ज्ञात करो। तो अपन को करना क्या है, देखो इधर ये n के हिसाब से मत करो इसको, क्योंकि n के डबल n करनी पड़ेगी। पहले ए बी सी डी, ए बी सी का निकालो फिर सी डी का निकालो, कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो करना क्या है देखो इधर, यदि आपकी इच्छा हो रही है तो ए बी सी डी के हिसाब से भी कर सकते हैं। पहले ए बी और सी का निकालेंगे, किसका दोस्तों, ए बी सी, और फिर सी और डी का निकालेंगे। लेकिन अपन डायरेक्ट निकालो एक बार ही, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी, ए बी का मान कितना है दोस्तों, 2:3, तो 2:3।
बीसी का कितना है, अब इस बी के साथ में ये सी नहीं है दोस्तों, इसके बाद में सेकंड है, तो बी सी, बी के नीचे बी कितना, चार, तो चार। अब इसी बी के साथ में दोस्तों क्या है, ये सी है एक, तो इसको कर देंगे एक। अब देखो ये खाली जगह रह गई ऊपर, अब है सी डी, अब ये सी डी है सी, अब देखो सी का मान यहां आ ही गया, लेकिन इससे पहले तो हम बैठा ही नहीं सकते क्योंकि इसके बाद में तीसरे नंबर पर सी आ रही है, तो इस सी, सी के शुद्ध में और डी के नीचे, तो देखो सी डी, सी और डी, तो सी का मान दोस्तों कितना है दो अनुपात, और इस डी के मान, ये डी को ऊपर नहीं बैठाएंगे क्योंकि इस सी के साथ में ये डी आया है, तो इसमें कहां बैठाएंगे एक, कर लो। अब देखो इधर प्लॉट कौन कौन से खाली है दोस्तों, चार चार, क्योंकि ऊपर चार हैं, तो चार देखो एक दो तीन और चार, तो इधर चार करो, चार हो गए भाई चार खाने। अब देखो इसमें अपन को करना क्या है कि जो खाली है प्लॉट उसमें किसका हक है दोस्तों, पड़ोसी का, किसका, पड़ोसी का, इधर इस पे तीन, और इस प्लॉट में किसका हक है, इसी पड़ोसी का, इसमें किधर है दोस्तों एक, इसमें किसका है, ये चार का, इधर दो, फिर इसी दो का इस पे है दो, कर लिया। अब देखो इसको करके देखो, तीन एकम तीन और तीन एकम तीन, तीन तीन एकम तीन, तीन दुआ छः, चार तिया बारह, बारह दुआ चौबीस, चार दून आठ, आठ दून सोलह। अब कट रहा है क्या, देखो नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, ये सोलह नहीं कटेगा तीन से, तो आंसर क्या हुआ दोस्तों, सोलह अनुपात चौबीस अनुपात छह अनुपात तीन। यदि ये इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि एडी का अनुपात क्या है, किसका पूछा दोस्तों, एडी का अनुपात क्या है, तो एडी का अनुपात करेंगे अपन, एडी एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो एडी, एडी का मान ए और ये डी, तो ए का मान दोस्तों कितना आया 16 और डी का मान कितना आया 3, तो 16 अनुपात 3, कितना 16 अनुपात 3। यदि इसी क्वेश्चन को ये पूछ ले भाई बी डी का अनुपात क्या है, किसका, बी और डी का अनुपात क्या है, बी, बी का मान कितना है 24, क्या करेंगे 24, और डी का मान कितना है दोस्तों 3, कितना है 3 3। अब या तो आपको दोस्तों ये आंसर में ये मिल जाएगा ऑप्शन में, अगर नहीं मिलता है तो इसको काट दो, तीन एकम तीन, आरतिया चौबीस, तो आठ अनुपात एक, क्योंकि ये काट के भी दे सकता है अनुपात में इस प्रकार। यदि इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि ए ए सी का अनुपात क्या है, क्या पूछा दोस्तों ए सी का, यदि ए सी का पूछा जाए, किसका पूछा जाए, एसी का पूछा जाए, तो एसी ए और सी, तो एसी का मान कितना होगा, ए का अनुपात एसी बराबर 16 अनुपात सी का मान कितना है 6, तो दोस्तों इसका अनुपात आंसर क्या हो जाएगा 16 अनुपात 6, क्या हो जाएगा, आ रहे भाई समझ में, जल्दी से जल्दी इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी, आगे बढ़ते हैं फिर। सबको राम राम, राम राम भाई, इतनी लेट आ रहे हो, टाइम से आया करो भैया, सबको राम राम, सबको राम राम भाई, नमस्ते नमस्ते, सबको राम राम। तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार, दूध और
पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो दूध और पानी की मात्रा बताओ। दूध और पानी की मात्रा बताओ कि इसमें दूध कितना है दोस्तों और पानी कितना है। तो देखो, दूध प्लस पानी, दूध और पानी टोटल कितना लीटर है दोस्तों? 40 लीटर। कितना लीटर? 40 लीटर। अनुपात कितना है? अनुपात मैंने बताया कि जिसका नाम पहले होता है दोस्तों उसका रेशो पहले होता है, और जिसका नाम बाद में होता है उसका रेशो बाद में होता है। तो कुल लीटर कितना है? वही कितना है? 40 लीटर। उनका अनुपात कितना है देखो, इसमें कितना है? 5:3। तो 5:3। तो देखिए इधर, तो इसका मतलब जिसका नाम पहले उसका रेशो पहले। दूध का अनुपात कितना है दोस्तों? 5, और पानी का कितना है? 3। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी 3:5 मान ले। जिसका नाम पहले होता है इसका रेशो पहले होता है। अब तो दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो इधर, ये तो अपना क्वेश्चन ही था भाई, लेकिन आगे देखो क्या करेंगे इसको बिल्कुल, कि दूध की मात्रा बराबर दूध का अनुपात कितना है दोस्तों? कितना है भाई दूध का अनुपात? 5। तो 5 बटे कुल अनुपात कितना है? 5 और 3 8, और कुल लीटर कितना है? 40। 8 × 40 25 लीटर। इसी प्रकार पानी की मात्रा बराबर पानी का अनुपात कितना है दोस्तों? 3। कुल अनुपात कितना है? 8। कुल लीटर कितने? 40। 8 × 40 5 × 15 लीटर। कितना लीटर? 15। अब यदि इसको अपन को छटनी करनी है कि भाई हमारा आंसर गलत है या सही है, तो दोस्तों करेंगे कैसे देखो इधर, कि आपको खूब पता है कि जब पानी दूध 25 लीटर है और 15 लीटर क्या है? पानी। तो टोटल इनको मिलाने पर टोटल कितने हो रहे हैं? इनका योग करने पर दोस्तों कितना हो रहे? 40 लीटर। कितना लीटर? 40 लीटर। यदि इन दोनों का अनुपात निकालना है तो अनुपात कैसे निकालेंगे? 25:15 इसको काट के देखो 5 से, 5 × 15 50 25, तो इसका आंसर क्या हुआ? 5:3 आंसर। तो इसका मतलब है दूध और पानी की मात्रा कितनी कितनी है? 25 और 15 लीटर। कितने लीटर? 25 और 15 लीटर। यदि इसमें यह पूछ लिया जाए कि पानी और दूध की मात्रा कितनी है, तो अपन को लोग क्या करना है देखो, पहले किसकी पूछ रहा है भाई ये? किसकी पूछ रहा है? पानी की। फिर किसकी पूछ रहा है? दूध की। तो पहले पानी की मात्रा लिखनी है, कितना? 15 लीटर बराबर ये किसका है? पानी। और दूध की कितनी है दोस्तों? 25 लीटर। कितनी है? 25 लीटर। आई भाई समझ में? आगे देखिए, आ रहा है ना भाई समझ में? टेंशन मत लो बिल्कुल भी, शानदार कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5,
दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात 2:4 है। कितना है? 2:4 है। तो दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करो। आए भाई समझ में? दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो इधर, इसमें सबसे पहले यह देखना है दूध और पानी टोटल कितने लीटर है भाई? 120 लीटर। इनका अनुपात कितना है? 2:4। तो देखो इधर, दूध प्लस पानी, दूध और पानी टोटल कितना है दोस्तों? 120 लीटर। कितना लीटर? 120 लीटर। तो इनका अनुपात कितना है? अनुपात कितना है दोस्तों इनका? 2:4। कितना अनुपात? 2:4। तो अपन को करना क्या है? देखो इधर, इनका अनुपात कितना है भाई? 2:4। तो अपन को करना है दूध की मात्रा बराबर दोस्तों, दूध का अनुपात कितना है? 2। कुल अनुपात कितना है? 6। कुल लीटर कितना है भाई? 120 लीटर। 6 दुआ 12 इनको जब गुना करेंगे 2 दूने 4 40 लीटर। क्या है भाई? 40 लीटर। इसी प्रकार पानी की मात्रा बराबर, पानी का अनुपात कितना है दोस्तों? 4। कुल कितना है? 6। कुल कितने लीटर है? 120 लीटर। इसको जब काटेंगे 6 दूने 12 20, 4 दूने 8 80 लीटर। कितना लीटर? 80 लीटर। अब दोनों का योग करके देखो भाई, 40 प्लस 80 बराबर 120 लीटर। देखो आ गया ना भाई टोटल करने पर। इनका अनुपात करके देखो, 40:80 कितना आएगा कि नहीं आएगा? देखो 2 दूने 4 2 चौका 8। तो अपना आंसर क्या हुआ दोस्तों? 2:4। ये क्या हुआ? देखो क्वेश्चन की अपन ने छटनी कर ली यही कहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या है दोस्तों? 40 लीटर। कितना लीटर? 40 लीटर और 80 लीटर। आ गया भाई सबके लिए समझ में? चलो अब टाइप नंबर अगली लेते हैं, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी लो भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कोहल और शराब एल्कोहल देखो और एल्कोहल और शराब के 160 लीटर मिश्रण में इनका अनुपात इनका अनुपात
2:6 और यदि 2 लीटर एल्कोहल और मिला दी जाती है तो मिला दी जाती है तो एल्कोहल और शराब की मात्रा क्या है। देखो इधर एल्कोहल और शराब के 160 लीटर मिश्रण में इनका अनुपात 2:6 है। यदि 2 लीटर एल्कोहल और मिला दी जाती है तो एल्कोहल और शराब की जो नई मात्रा आएगी वे कितनी आएगी। दोस्तों जो नई मात्रा आएगी वे कितनी आएगी, तो देखो इधर एल्कोहल प्लस शराब, इसको कितना लीटर है टोटल भाई 160 लीटर। कितना लीटर 160। इनका अनुपात कितना है दोस्तों 2:6। अब अपन को देखो क्या करना है कि एल्कोहल और शराब टोटल कितना लीटर है भाई 160, इनका अनुपात कितना है 2:6। तो पहले इनका अलग अलग आपको मात्रा निकालनी है, उसके बाद में आपको यह छेड़ना है कि एल्कोहल मिला रहा है या शराब मिला रहा है। तो देखो क्या करना, पहले निकालेंगे एल्कोहल की मात्रा बराबर, एल्कोहल का अनुपात कितना है दोस्तों 2/2, कुल अनुपात कितना है 6/2 8, कुल मात्रा कितने 160 लीटर, 8 8 2 16 कितना 2 × 4 40 लीटर, कितना 40 लीटर। इसी प्रकार शराब की मात्रा बराबर शराब का अनुपात कितना है 6, कुल कितना है 8, कुल लीटर कितना है दोस्तों 160, 8 × 2 16 6 × 2 12 120 लीटर। अब देखो इधर इन दोनों का योग करके देखो भाई, इन दोनों का योग बराबर में आ रहा कि नहीं आ रहा, कितना 160 लीटर आ रहा है भाई, कितना आ रहा है दोस्तों 160 लीटर। तो इसका मतलब एल्कोहल की मात्रा पहले कितनी थी 40 लीटर और शराब की कितनी थी 120 लीटर। अब देखो इधर, अब ये क्या मिलाने की कह रहा है दोस्तों एल्कोहल, और वे भी एल्कोहल कितना मिलाने की कह रहा है 2 लीटर, तो एल्कोहल में ही मिलाना है। तो एल्कोहल की वर्तमान कितनी हो जाएगी, एल्कोहल 40 प्लस कितना लीटर और 2, तो कितना लीटर हो जाएगा दोस्तों 42 लीटर। तो अपन कह सकते हैं इधर देखो, एल्कोहल और शराब इनकी मात्रा, एल्कोहल और शराब की मात्रा कितनी हो जाएगी, देखो इधर एल्कोहल की हो जाएगी दोस्तों कितना, 2 लीटर एल्कोहल मिला रहा है 42 होगी, तो 42 लीटर बराबर। शराब की मात्रा कितनी हो जाएगी, एक शराब की 120 लीटर। आंसर आया भाई समझ में, क्योंकि यदि ये इसको एल्कोहल मिलवा रहा है तो एल्कोहल में मिलाएंगे, यदि शराब की मिलाने की बोल रहा है तो दोस्तों किस में मिलाएंगे, शराब में। देखो दोबारा इधर एल्कोहल और शराब कितना लीटर है दोस्तों 160 लीटर, उनका अनुपात कितना है 2:6, तो एल्कोहल की मात्रा बराबर एल्कोहल का अनुपात कितना है भाई इसमें 2,
तो कुल अनुपात 8 × 160 कुल लीटर, काटेंगे तो कितना आएगा 40 लीटर। इसी प्रकार शराब की मात्रा कितनी है, शराब का अनुपात बटे कुल अनुपात कुल मात्रा, इनको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 120 लीटर। यदि आपको छटनी करनी है तो किस प्रकार करेंगे, देखो जब छटनी करनी है तो 40 लीटर ये है, 120 लीटर ये है, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों 140 लीटर। इसी प्रकार से अल्कोहल की मात्रा 40 पहले थी, अब 2 लीटर और मिलाने की बोल रहा है, तो 2 और मिला दे तो कितना हो गया 42 लीटर, और शराब की कितनी हो जाएगी 120 लीटर आंसर। आ गए भाई समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से। तो दोस्तों आज यहीं विराम लेते हैं, सबके लिए राम राम, राधे राधे, जय हिंद।